झारखंड न्यूज 9 में आपका स्वागत है। और अभी मैं इस वक्त रांची जिला अनगड़ा प्रखंड गोंदली पोखर में मैं मौजूद हूं। और आज जो है 14 जुलाई को अनगड़ा प्रखंड में हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसी को लेकर आज मिलते हैं। क्या नाम हुआ सर आपको? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह मोक्ता हुआ और आसो पार्टी के वरीय जिला उपाध्यक्ष हैं। आज जो है कौन सी ऐसी बात हो गई और क्या मामला है जो आज रांची पूरे रांची जिला में अनगड़ा प्रखंड में 14 जुलाई को जो है और विभिन्न तारीखों में जो है ये हल्ला बोल कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, मुख्य मुद्दा क्या है और मामला क्या है जो आज जो है आसू पार्टी को ये जो है आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है, क्या बात है बताइए सर? विगत पूरे रांची जिला कमेटी केंद्रीय कार्यालय हिंदू में बैठक हुई केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी का निर्देश पर, और जिला कमेटी ये निर्णय लिए है कि पूरे रांची जिला के रांची राजधानी है झारखंड का और रांची के जितने भी प्रखंड हैं, रांची जिला तय की है कि अलग अलग डेट में सभी प्रखंड में जनताओं के जनमुद्दा पर जनताओं का जो समस्या है, जनता नाखुश है, उनको लेकर आसू पार्टी उनको साथ लेकर हल्ला बोल कार्यक्रम का तय की है। और उस मुद्दा पर 14 जुलाई को अनगड़ा प्रखंड में जोरदार हल्ला बोल कार्यक्रम रखी गई है। और इस कार्यक्रम में आज जनता तरस है, प्रखंड में तरस है, अफसर से तरस है, भ्रष्ट है। आज देखिए, आज आवासीय हो, जाति हो, आज छात्र छात्राएं परेशान होकर फिर वापस चले आते हैं। और आज देखिए, आज जमीन मोटेशन हो या खाता प्लॉट हो, प्लॉट में जीरो दर्शाया गया है, जीरो को चढ़ाने के लिए आज किसान दर दर भटक रहा है, फिर भी नहीं सुधार पाता है और थक हार के घर में बैठ जाता है। और आज देखिए, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, और एन जो भी समस्या है ब्लॉक का, प्रखंड का, वो जनताओं का हित के लिए आसू पार्टी 14 जुलाई को जोरदार हल्ला बोलेगी और जनता का समस्या का निदान के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे आसू। और अगर ये अनगड़ा प्रखंड या प्रखंड तक सीमित अगर नहीं सुधार करता है प्रखंड, तो फिर आगे रणनीति आसू पार्टी तय करेगी और क्रांतिकारी जोरदार जिला तक पहुंचेगी और जोरदार जिला में भी पूरा घेरने का काम करेगा। नहीं होता है तो सीधे तौर पर सरकार पर आंदोलन रूपरेखा तैयार करेंगे और सरकार को घेरेगी। और है कि आज पूरे प्रदेश में जो है जयराम महतो जो हैं एक क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने जो बिगुल फूकने का जो काम किया है, क्योंकि जब भी झारखंड में कोई भी ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तो किसी ना किसी के नेतृत्व में आज जो पूरे झारखंड में ये आंदोलन करने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है कि झारखंड में नियोजन नीति हो, 740 का जो मामला है और 1932 खतियान है, इसको लेकर पूरी जो है कि मुखर है और जोरदार आंदोलन उन्होंने कर रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे वीरेंद्र जी? आज झारखंड 1932 नियोजन नीति को लेकर पूरे झारखंड में आग लगी हुई है और आज पूरे भारतवर्ष में एक झारखंड अपवाद है कि जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड में जो स्थानीय को जो नौकरी हर जगह मिलनी चाहिए, आज झारखंड में ऐसा नहीं है। एक झारखंड ही ऐसा है कि जो हमारे झारखंड में पढ़े लिखे लोग, युवा और सभी बेरोजगार आज ठके जा रहे हैं। इसलिए स्थानीय नीति, नियोजन नीति झारखंड सरकार तय नहीं कर पा रही है और स्थानीय नीति 1932 खतियान को लागू कर नहीं पा रही है। केवल जनताओं के बीच में भोले भाले छात्राओं को, युवाओं को ठगने का काम कर रही है। और आज स्थानीय नीति, नियोजन नीति इस सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई है और विगत 3.5 साल 4 साल होने जा रही है, अगला 2024 चुनाव होने वाली है, फिर यही मुद्दा लेकर फिर आएंगे हम 1932 लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे। और ये पूर्व में भी यही बोल के आए सरकार में बैठे कि 32 हम लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया है। और पूरे झारखंड के हमारे पढ़े लिखे भोला भाला और छात्र छात्राओं को, युवाओं को ठगने का काम किए हैं। और पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में देखिएगा कि वहाँ का स्थानीय नियोजन नीति है और सभी वहाँ स्थानीय जो युवा है, पढ़े लिखे लोग है, थर्ड और फोर्थ ग्रेड केवल वही के राज्य के स्थायी निवासी को, वहाँ कोई भी विभाग हो, कोई भी ऑफिस हो, वहाँ उनको नौकरी हो,
वहाँ लगता है, लेकिन आप झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए कहीं कोई स्थानीय नीति या 60-40 का देख लीजिए। 60-40 में कहने का मतलब कि हम झारखंड के जनता जुआ इतना ठगे जा रहे हैं। अरे क्या आज 60-40 क्या है, ये जनता को आप जवाब दे सरकार, इसी को लेकर आप पूरे झारखंड में आग लगी हुई है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि 1932 लागू हो, स्थानीय नीति लागू हो, निजो नीति लगे, ताकि हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हो वो बेकार ना जाए और हमेशा की तरह मेहनत करके पढ़े लिखे लोगों को हर ऑफिस में हर विभाग में वो अपना सेवा योगदान दे सके। आज हमारे राज्य में जिनकी सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, आरजेडी, ये तीनों मिला के जो ये सरकार जो बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं ये विफल नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आज जो है ये आसू पार्टी के द्वारा जो ये बातें जो आप सुन रहे हैं, जो इन्होंने कहा कि आज जो नियोजन नीति का मामला हो या झारखंड 1932 की खतियान की मामला हो या ब्लॉक का मामला हो, इन सभी मुद्दों पर जो है आज आसू पार्टी जो है आंदोलन करने के लिए आज हमेशा खड़ा है। और केंद्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार 14 जुलाई को जो आज प्रखंड में हल्ला बोल कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, तो वीरेंद्र जी उसमें जो मामला है जो 14 तारीख को जो ये जो हल्ला बोल कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कितने लोगों की संख्या में लोग वहां पे मौजूद होंगे? 14 जुलाई को जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश अनुसार सभी प्रखंडों में रांची जिला कमेटी हम लोग बैठे हैं और तय किए हैं, सभी जगह अलग अलग डेट भी तय किए हैं। उसी 11 जुलाई से हम लोग का शुरुआत है, जो ओरमांझी से हम लोग का शुरुआत होने जा रही है हल्ला बोल, और 14 जुलाई को हमारे अनगढ़ा प्रखंड में होने जा रही है। देखिए आज जनता तरस है, हम लोग पूरे गांव टोला सभी को अवगत कराया जा रहे हैं कि जिनका जिन मुद्दा पर समस्या है, जिनका जो समस्या है, उस 14 जुलाई को प्रखंड कार्यालय आए और उस समस्या को बताए। और हम लोग हजारों हजार की संख्या में हम लोग 14 जुलाई को अनगढ़ा प्रखंड कार्यालय में हल्ला बोलेंगे और जनताओं का समस्या लेकर, जनताओं का जो भी अपना दुख तकलीफ जो भी समस्या है, हम लोग उसी को लेकर हल्ला बोलने जा रहे हैं और उनका समस्या निदान के लिए हम लोग हल्ला बोल कार्यक्रम तय किए हैं। तो कार्यक्रम तय किए हैं तो हल्ला बोल के माध्यम से उनका जो भी जनमुद्दा है, जो भी समस्या है, हम लोग कोशिश करेंगे आसू पार्टी को उनका समस्या का हल हो और हमारे किसान हो, हमारे युवा हो, छात्र छात्राएं सभी खुश रहे और उनका समस्या का निदान करते हुए आसू पार्टी सभी रांची जिला में सभी प्रखंड इसीलिए तय की है कि समस्या का निदान हो।